तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एस पर आईएस कोड 2502। जैसा कि 2502 में बताया गया है, और हम ये भी जानेंगे कि हम जिस मेथड से यूज करते हैं वो कितनी सही है या कितनी गलत है। उससे पहले हम समझ लेते हैं हमारे इस डायग्राम को। मैंने एक कॉलम का सेक्शन यहाँ बनाया हुआ है, एक स्केच तैयार किया है एक्सेल में। यहाँ पे मैंने एक कॉलम लिया है, हम मान लेते हैं उसका साइज 500x450 है, और हमने सभी तरफ से कवर 40 mm दिया हुआ है। कवर नॉमिनल कवर या क्लियर कवर, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। 40 mm का कवर है, कॉलम का साइज 500x450 है, 8 mm डायामीटर की हम स्ट्रिप्स का यूज करेंगे। तो चलते हैं, आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं। एस पर आईएस कोड 2502 के अनुसार हम स्ट्रिप की कैलकुलेशन सेंटर लाइन मेथड से करते हैं। ये सेंटर लाइन मेथड मैंने ड्रॉ करी, यहाँ पे देखिए ये सेंटर लाइन ड्रॉ करी है, रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये बार दिखाई दे रही है स्ट्रिप की, और ये हुक दिखाई दे रहा है, ये चार मेन बार हैं यहाँ पे। तो सेंटर लाइन में से मुझे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आईएस कोड ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस रिंग का साइज कैलकुलेट करते हैं सेंटर लाइन से। तो मुझे ए और बी की कैलकुलेशन करनी होगी, जो कि मैंने यहाँ की हुई है। ए ये वाला रिंग यहाँ से यहाँ तक सेंटर लाइन, और ये जो रिंग का लेंथ दिखाई दे रही यहाँ से यहाँ तक, दोनों डायरेक्शन में हमें ए और बी की कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए हम 450 में से, ये 450 कॉलम दिख रहा है उसमें से कवर यहाँ से माइनस करेंगे 40 mm, यहाँ से माइनस करेंगे 40 mm, इस बार के सेंटर तक जाएंगे और इस बार के सेंटर तक जाएंगे। ये हमारा बार 8 mm का है, इसलिए 8/2 यहाँ पर, 8/2 मतलब 4 mm यहाँ से और 4 mm यहाँ से, तो हम इसके सेंटर में आ जाएंगे, मतलब सेंटर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। उसी तरह हम इस 500 में से ये 40 mm माइनस करेंगे, इधर से 40 mm माइनस करेंगे, यहाँ से 8/2 माइनस करेंगे, यहाँ से 8/2 माइनस करेंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ निकालेंगे, जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी हुई है और यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ए माइनस 450 टू टाइम्स कवर 40 mm 40 mm, माइनस डी बाय टू माइनस डी बाय टू, डी इक्वल टू 8 mm। ये देखिए 450 माइनस डी इंटू 14 माइनस 8/2 माइनस 8/2 362, 500 माइनस 2 इंटू 40 माइनस डी बाई टू माइनस डी बाई टू, ये भी आ गया हमारा। तो चलते हैं हमारे आईएस कोड के फॉर्मूले की तरफ, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं मैंने आईएस कोड का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये क्या कहता है, 2 इंटू ए प्लस बी, कौन सा, ये वाला ए और ये वाला बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी मतलब बोथ डायरेक्शन, बी ये वाला और ये वाला ए, प्लस 24D, 2 इंटू 44D माइनस वेंड लॉस। वेंड लॉस कौन सा, 90 डिग्री का वेंड लॉस यहाँ पे हो रहा है, 90 डिग्री का यहाँ पे हो रहा है। वेंड लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि रिंग बनाते समय रिंग की रेडियस अंदर की तरफ टर्न करती है, अंदर की तरफ, इसलिए हमें यहाँ पे वेंड लॉस देना होता है। तो वेंड लॉस कितना लेंगे, 45 डिग्री के लिए हम 1D लेते हैं, 90 डिग्री के लिए हम 2D लेते हैं, और 135 डिग्री के लिए हम 3D लेते हैं।
तो इस रिंग के केस में यहाँ पे 2D, यहाँ पे 2D, यहाँ पे 2D और यहाँ पे 135D के दो बैंड लॉस होंगे, मतलब 3D यहाँ, 2D यहाँ, 2D यहाँ, 2D यहाँ, टोटल मिला करके 12D माइनस करना होगा हमें बैंड लॉस के केस में। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेच अप एस पर IS 2502 2 × 362 + 412 A + B + 24D माइनस बैंड लॉस 12 × D मेरा आंसर आता है। पर हम जो साइट पर मेथड यूज करते हैं वो इससे कुछ अलग होती है। हम साइट पर रिंग की कैलकुलेशन आउटर टू आउटर करते हैं, ना कि इनर टू इनर। कटिंग लेंथ हम जो निकालते हैं वो आउटर टू आउटर निकालते हैं। तो आउटर टू आउटर भी हम निकाल के देख लेते हैं। 500 माइनस 40 mm यहाँ से, 40 mm यहाँ से, 80 mm तो होता है 420 mm, यह लिखा हुआ है। देखिए फिर 450 में से 80 माइनस करेंगे आएगा 370 mm, तो 2 × 370 + 420 mm + 20 × 8D या 20 × 8 कहें क्योंकि हमारा 8 mm का डाया है। तो 20D हम यहाँ पर जो साइड पर लेते हैं वो हुक के केस में लेते हैं। कितना लेते हैं, ईच बैंड 10D, 10D यहाँ से, 10D यहाँ से, हो गया 20D माइनस बैंड लॉस 12D का। अब थोड़ी बात हम हुक की भी कर लेते हैं। हम स्ट्रिप्स में हुक क्यों प्रोवाइड करते हैं? 1982 के अनुसार अर्थक्विक के लोड को काउंटर करने के लिए हुक दिया जाता है और हुक का मेजरमेंट मेन बार के सेंटर से अंदर की तरफ किया जाता है, मेन बार के सेंटर से कॉलम के अंदर की तरफ। एस पर 2502 में एक टेबल बनी हुई है जिसमें मिनिमम हुक लेंथ 75 mm है। ईच हुक जब 75 mm यहाँ से, 75 mm यहाँ से, भले बार का डायामीटर कुछ भी हो मिनिमम, बाकी वहाँ पे जैसे जैसे बार का डायामीटर आगे बढ़ता है हुक की लेंथ भी बढ़ जाती है। तो हमने दोनों मेथड से कैलकुलेशन की है, दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आता है। तो दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह पर सही हैं। आपको जैसी प्रैक्टिस करनी हो आप वैसी प्रैक्टिस कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।